बर्मा की जो आर्मी कह रहे हैं हमने नहीं मारा, अरकन आर्मी कह रहा हमने नहीं मारा, इस तरह का इंसिडेंट 7 जनवरी को भी हुआ है 2020 को, 2019 में भी इस तरह का 6 इंसिडेंट हो चुका है ऑलरेडी। मैं रिपोर्ट बना चुका हूँ, मैं कॉलेज सर को भी भेज दिया था वहां पर उस रिपोर्ट को, और हमारे वेबसाइट पे भी मिलेगा आपको। इसी तरह का कंटिन्यूसली वहां पर हो रहा है। अरकान आर्मी बर्मा गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं, बर्मा आर्मी अरकान आर्मी को ब्लेम कर रहे हैं। तो अगर किसी ने नहीं मारा दुनिया में तो कुछ क्या है, हिंदुस्तान में जाए किसी ने तो नहीं मारा ना। तो मेरा क्वेश्चन ये है, हम लोगों को बर्मीज गवर्नमेंट प्रोटेक्शन नहीं दे सकते हैं, वहां पे टाट पर्सन का जरूरत है प्रोटेक्ट करने का, वहां यूएन सिक्योरिटी फोर्स का जरूरत है। हमारा डिमांड है यूएन सिक्योरिटी फोर्स वहां भेजा जाए, हमको प्रोटेक्शन मिले। और एक चीज ये है, हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन जो है हर इंसान के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए कहा जाता है। हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें व्हाइट और ब्लैक, व्हाइट लोगों को सिटीजन मिलता है, ब्लैक लोगों को नहीं मिलता है। ना हम ब्लैक है ना हम व्हाइट है, हम वहां उस देश का सिटीजन होने के बावजूद हमको सिटीजनशिप नहीं मिल रहा है। एक तरह कानून बना के हमको खत्म कर दिया। सेकेंड चीज जो है, आप लोग हाथी को देखते होंगे, हाथी को डरते भी हैं सब लोग। अगर हाथी को कोई शिकार नहीं करते हैं, हाथी किसी को खतरा नहीं करता है। हमारे देश में जो फोर्सेस है वो हमारे लिए हाथी जैसे हैं। हाथी तो हम सब छीटने के बाद खत्म करते हैं, वो हम लोग उनसे कुछ शिकार भी नहीं करते हैं तब भी हम खत्म कर देते हैं। तो ये हमारी कम्युनिटी के लिए, मतलब बर्मा में जो बचा हुआ है वो भी इसी तरह खत्म हो रहा है अरकन आर्मी और मिलिट्री के ब्लेड के जरिए। जो देश से बाहर है वो भी इंटरनेशनल मीडिया सोशल मीडिया में जो हमारा जो बिलीफ है, हमारा जो विश्वास है, हमारा जो इज्जत है उसको खत्म कर रहा है। कह रहे ये लोग टेररिस्ट है, ये लोग टेररिज्म के साथ दे रहे हैं, इस तरीके बोल के वो कह रहे हैं इंसान का गोश्त खा रहे हैं, इसी तरीके सोशल मीडिया में कहते हैं। तो मैं इसका बदला जवाब ये देने चाह रहा हूँ, आप जिस तरीके इंसान है हम भी इंसान है, और आपको हर इंसान का इज्जत करना चाहिए। आपको आप पसंद नहीं है किसी की इज्जत को लेकर पब्लिक में बाजार में लाना नहीं चाहिए। और सेकंड चीज जो है, हम लोग टेररिस्ट नहीं है, हम टेररिस्ट को कंडेम करते हैं, टेररिस्ट को भी कंडेम करते हैं। हमारी कम्युनिटी पीस कम्युनिटी है और हम लोग एक शांति चाहते हैं, शांति के जरिए हमारे देश में रहने चाहते हैं। बर्मा से हम लोग अलग देश नहीं मांग रहे हैं, हम लोग हमारे जो सिटीजनशिप राइट लिया है उसको वापस मांग रहे हैं, जस्टिस चाहते हैं। हम लोग जो हमारे अंदर मीडिया जो फैला रहे हैं, स्पेशली इंडियन मीडिया कह रहे हैं ये लोग टेररिस्ट है, ये लोग बर्मा से अलग देश चाहते हैं, तो मैं इंडियन मीडिया को कहना चाहता हूँ, हम लोग ना अलग देश चाहते हैं ना हम लोग टेररिज्म को साथ देते हैं। हम टेररिस्ट को कंडेम करते हैं, टेररिज्म को कंडेम करते हैं, वी आर नॉट टेररिस्ट, वी आर विक्टिम ऑफ टेररिज्म। इसलिए हम कहना चाहते हैं आप लोग सही को दिखाइए, आपका जिम्मेदारी है। और जिस तरीके सोशल मीडिया में आप दिखा रहे हैं ये बंगाली है और ये रोहिंग्या है, हम आपके यहाँ पर किसी का तकलीफ देने के लिए भी आया, हम वहां पे जान का खतरा है, जान बचाने के लिए आया है। और इंडिया में 40,000 लोग नहीं है, 17,800 के करीब लोग हैं। ज्यादा से ज्यादा जो लोग इंडिया में रह रहे हैं ये लोग कबाड़ी का काम करते हैं, रैप पिकिंग का, कंस्ट्रक्शन का, वहां पर भी उनको बहुत सारा लोग मारते हैं रास्ता में, रोड पे, और कभी कभी पुलिस भी बंद कर देते हैं। तो इसीलिए जब तक हमारे देश में शांति नहीं आता तब तक के लिए हमको यहाँ रहने दिया जाए। बर्मा के अंदर जो जुलुम हो रहा है उसके लिए हिंदुस्तान गवर्नमेंट, इंटरनेशनल कम्युनिटी वहां पर इम्प्लीमेंट करे हमारा राइट के लिए, हमको सेफ्टी देने के लिए। और अभी यूएन सिक्योरिटी फोर्स का जरूरी है, मेरे हिसाब से गांबिया को दोबारा इसको फाइल करना पड़ेगा। बर्मा के अंदर जो इंसिडेंट हुआ है जनवरी में जो हुआ है, कल जो हुआ है, तो जो इंसिडेंट हो गया, जो जो लोग हुआ उनको ना मेडिसिन का फैसिलिटी मिल रहा है ना खाना का फैसिलिटी मिल रहा है। हमने 2-3 लोग मेल किए, हमारे रिश्तेदार कुछ वहां पर है बर्मा में, कल हमने बर्मा का 1,00,000 पैसा भेजा है इंडियन का, 5,000 रुपीज उसके जरिए हम उनको इलाज कर रहे हैं। जो लोग 7 लोग एनजीओ है और कुछ हमारे देश में अंदर जो लोग बचा हुआ है उन लोगों ने कुछ पैसा दे के उनके इलाज चल रहे हैं। तो बर्मा हुकूमत ना आवाज उठाने दे रहे हैं ना आवाज सामने आ रहे हैं, ऊपर से ब्लेम कर रहे हैं अरकान आर्मी रोहिंग्या का, अरकान आर्मी भी मार रहे हैं हमको, मिलिट्री भी मार रहे हैं हमको। तो इसलिए और दूसरा जो ICJ की तरफ से जो प्रोफेशनल मैदान की जो कहा गया है, एक इनको मारना नहीं चाहिए, उनकी जो सबूत है उनको वहां पर नहीं मिटाना चाहिए,
चार महीने का रिपोर्ट भेजने चाहिए वर्मा को और 6 महीने में वर्मा को आईसीसी में जाने चाहिए जो कहा है, ये अच्छे बात हम उसको वेलकम कर रहे हैं। और बर्मिस गवर्नमेंट जो लोग बर्मा में बचा हुआ है उनको डरा की इनको मार की उल्टा फुल्टा रिपोर्ट भेज सकते हैं, हमें डर है, हम इस चीज को कंडेम कर रहे हैं। हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को और आप जैसे मीडिया के लोगों की आवाज के जरिए हमारे की प्रोटेस्ट मिलने के लिए दरखास्त कर रहे हैं। और इंडिया में जो लोग अभी है जब तक एक तो सुप्रीम कोर्ट में हमारे केस भी चल रहे हैं, हम उम्मीद रखते हैं हमको यहाँ पर इंसान के हिसाब से टेम्पोरली दिया जाएगा ऐसे सोच रहे हैं। हम हिंदुस्तान गवर्नमेंट को अपील कर रहे हैं आप लोग हमको मदद करें पढ़ाई के लिए टेम्पोरली रहने के लिए और थोड़ा सा वर्मा को प्रेशर करें जिस तरीके आपके पास अभी टाइम है। अभी आईसीसी तक हमारा केस पहुंचा ऑर्डर आ चुका है, आप लोग एक सुपर पावर कंट्री से आप लोग जिस तरीके बांग्लादेशी को मदद किया, जिस तरीके आपने तिब्बतन लोगों को मदद किया, जिस तरीके आपने तमिल लोगों को मदद किया, इस तरीके हमको भी आप मदद कर सकते हैं। हम भी अगर जाति के हिसाब से देखेंगे हम भी इंडियन कौम से हैं और बर्मा में सब लोग मुसलमान नहीं है, वहाँ हिंदू भी है, उनको भी मारा गया है। तो आपको हर इंसान के लिए प्रोटेक्शन का आवाज उठाना चाहिए। तो मुझे आज मेरे बात करने का एक खुशी की जरिया कहना चाहता हूँ जो मीडिया आज हमारा साथ दे रहे हैं, थोड़ा आप लोग आए हैं मुझे बहुत खुशी महसूस हो रहा है। थैंक यू सो मच, मेरे तरफ से कोई गलती होगा तो आप माफ कर दिएगा। थैंक यू।